ये देखिए गाइस, ये मेरा चैनल है। हमने जीरो से स्टार्ट किया था और आज 103 हो गया मात्र 20 दिन में, और मेरा व्यूज 1 लाख भी क्रॉस कर चुका है। शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ और आज जीरो से स्टार्ट किया और 20 दिन के अंदर में 300 सब्सक्राइबर 1 लाख व्यूज लेकर आ गया। हमने वो तरीका यूज किया जो आपको नहीं आता है, अब गलत तरीके से वीडियो अपलोड करते हो, सबसे मेन बात ये है। लेकिन हमने सही तरीका से अपलोड किया, देख सकते हो रिजल्ट। इसमें 7 गया तो ऊपर वाला वायरल गया, गया कि नहीं गया? ऊपर वाला वायरल गया तो उसके ऊपर वाला रुक गया। यही होता है, इसको समझना पड़ता है। आप लोग समझते नहीं हो, बस वीडियो अपलोड करते हो, रुक जाता तो छोड़ देते हो। नहीं, रुके तो छोड़ो मत, रुके तो और वीडियो अपलोड करो क्योंकि वो भागे। अब मेरा हर एक वीडियो देख लो, प्रोफाइल खोल के मैं आपको शॉर्ट्स में लेकर जाता हूँ, देख लो आप। ये 2-3 को रुकता है, 10K जाने के बाद 2 को वीडियो रुका, फिर 1 वायरल गया, फिर 1 वीडियो रुक गया, फिर 1 और वीडियो वायरल जाएगा। आप खुद देख लो, सब देख लो, ऐसा ही है। आपको विश्वास नहीं होगा तो मेरा प्रोफाइल ओपन करके भी देख लेना, अच्छा समझ लेना कि कैसे वीडियो को वायरल करते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो वायरल करने का तरीका, अपलोड करने का तरीका आपको नहीं पता है। मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो को तरीका कैसे अपलोड करते हो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना, पूरा अच्छे से देखना, तभी आप लोग समझोगे। यूट्यूब चैनल पे और जो आपको शॉर्ट्स वीडियो है उसको आप लोग ले लेना, ठीक है? आपका जो शॉर्ट्स वीडियो होगा जिसको अपलोड करना है, जैसे कि मैं अभी एक शॉर्ट्स वीडियो बना लेता हूँ, ध्यान से देखो। शॉर्ट वीडियो अपलोड करने के बाद सबसे बड़ी गलती तुम लोग ये करते हो जिसके कारण तुम्हारा वीडियो वायरल नहीं जाता या शॉर्ट्स वायरल नहीं जाता है। जैसे कि शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिए तो कोई एक टाइटल यहाँ पे ज़रूर डालें, यहीं पे डालें, क्योंकि आपका वीडियो सर्च में जाता है, मतलब ये क्या स्कैन करता है आपको किस टाइप का वीडियो उस ऑडियंस के पास भेजे, ठीक है? तो पहले यहाँ पर टाइटल डालोगे ना, टाइटल डालते आपको यहाँ पे हैशटैग आएगा बहुत सारा, यहीं पे आता है, आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा YT स्टूडियो में। देखो ये सब हैशटैग आता है भाई, ये सब हैशटैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैशटैग होते हैं, यही मेन होते हैं। अगर आपको वहाँ पे ये नहीं मिलेगा, इसमें से आपको जितना हैशटैग आ रहा है अपने दम क्लिक करते जाओ और इस पर डाल दीजिए कि देख लो हमने सारा का सारा हैशटैग इसमें डाल के इसको फुल कर दिया। ये ब्लॉग सारा, इसको भी डाल देते हैं लेकिन ये नहीं हटेगा, हम इसको कट देते हैं, ठीक है? जैसे कि ये देखो हमारा टैग वाला, ये पूरा फुल हो गया, 97% हो गया, ठीक है? ये हमारा यहाँ पे इतना हो चुका है। उसके बाद नीचे आने के बाद ये जो है ना, ये इस पर आप लोग गलत डिसाइड करते हो, यहाँ पे आपको नो रखना है तभी होगा, नहीं तो आप लोग यहाँ पे यस कर देते हो। ये बच्चों का कंटेंट नहीं है, यहाँ पे नो रखा करो, ज़्यादा आपको बेहतर है। और जब भी वीडियो अपलोड करो तो अनलिस्टेड करके अपलोड करो, प्राइवेट करके अपलोड करो, लेकिन पब्लिक करके अपलोड मत करना, समझ गए? अनलिस्टेड नहीं तो प्राइवेट। अब इतना कुछ करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन डालना है तो डाल सकते हो, तो शॉर्ट्स वीडियो में डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाला था, YT स्टूडियो में डाला है। इतना कुछ करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा अपलोड हो रहा है, तब तक चलो YT स्टूडियो में। अब यहाँ पर जो करना है वो करो, जैसे कि हमको दिखाते, ध्यान से देखना, वही करना, कुछ गलत यूज मत करना। अब इसको पहले यहाँ से कॉपी कर लो पूरा टाइटल को, टाइटल कॉपी करने के बाद यहाँ पे डाल दो अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे कुछ हैशटैग लगा दो, हैशटैग डालोगे अपने पास अपने आप आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं 4-5 को हैशटैग लगाता हूँ, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मतलब 10 या 8 को हैशटैग लगा सकते हो, हम हर वीडियो में इतना ही लगाते हैं और मेरा वीडियो वायरल जाता ही है। ज़्यादा भरने की भी ज़रूरत नहीं है, भरने से आपका कुछ नहीं होगा। तो मैंने जितना हो सके उतना हैशटैग लगा दिया, देख सकते हो। अब इसको यहाँ से कट कर देते हैं। अब यहाँ पे अपना चैनल का नाम लिख लो सबसे पहले, तो AVTechnical 2.0, ये हमारा चैनल का नाम हो गया। अब तुम्हारा जो बड़े यूट्यूबर है जिस कैटेगरी में हम, उसमें मेरे टेक्निकल कैटेगरी में मनोज देव सबसे बड़ा यूट्यूबर है, तो मनोज देव लिखते हैं। और भी जितने भी कुछ कुछ बड़े यूट्यूबर उन लोगों का लिख देना, तो हम एक ही को लिखते हैं। उसके बाद शॉर्ट्स वीडियो लिख दो, फिर SHA शॉर्ट वायरल लिख दो, ऐसे करते करते कुछ डाल दो। तो मैं पहले इसको भर लेता हूँ,
देख ही सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने इतना कुछ कर दिया है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आपको और भरना है तो भर सकते हो, मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, बस अब इसको सेव कर दो। हमारा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल सब चीज़ तैयार हो चुका है, इसको रिफ्रेश कर दो, शॉर्ट्स में आएगा। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करो और उसके बाद यहाँ पे इसको अब अपलोड पे लगा देते हैं, मतलब इसको पब्लिक अप कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि सब चीज़ तो कर लिया है, अब कुछ करने का बचा नहीं है, तब इसको अब पब्लिक कर देंगे। तो दोस्तों हमारा ये पब्लिक हो चुका है, अब मैं वीडियो देख सकते हूँ।